हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ ऋषिकेश में पूर्णानंद घाट पे। तो सुबह का टाइम है, लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं। सूरज की किरणें पानी में पड़ रही हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पानी बहुत ही निर्मल जल बह रहा है। तो मैं सुबह सुबह यहाँ पे मैं भी वॉकिंग के लिए आया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं भी घूमने के लिए निकला हुआ हूँ। आप सामने देख रहे हो, ये सामने जानकी पुल है। तो अभी हम यहाँ से होते हुए जानकी पुल पे जाएंगे। ये पूरा जानकी पुल है। इधर जो साइड में आप देख रहे हो, ये शमशान घाट है। तो यहाँ पे शमशान मूर्ति जलाए जाते हैं। ये कोई चिता जली है तो उसकी राख यहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है, देख सकते हो आप। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये घाट आ चुका है, पूर्णानंद घाट है। तो यहाँ पे ये टूरिस्ट लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं अभी। ये सूरज की बहुत ही शाइनी किरणें जल पे पड़ती हुई, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सुबह सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम है, बहुत सुंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जानकी पुल। तो यहाँ से जानकी पुल बिल्कुल बराबर में ही है। तो यहाँ से अब हम जानकी पुल के लिए चल रहे हैं, बने रहे हैं हमारे साथ। जानकी सेतु गंगा आरती का टाइमिंग है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप ये सामने सेतु देख रहे हो, इसे जानकी सेतु के नाम से जाना जाता है, जो राम झूला के राइट साइड में है। जानकी सेतु के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हम इसे क्रॉस करने के बाद सीधा गीता भवन पे पहुँचते हैं। गीता भवन परमात्मा केतन यहाँ से क्रॉस करके हम जा सकते हैं। और आप नीलकंठ अगर जाना चाहते हो बाइक के थ्रू, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से आप जा सकते हो। दोस्तों, ये जानकी पुल है। यहाँ से दोनों साइडों में बाइक का है, एक साइड से आने का है, एक साइड से जाने का है। और बीच में जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए बीच में पथरों पर बनाया गया है। यहाँ से आप देख रहे हो काफ़ी पैदल यात्री चल रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है, यात्री बहुत कम है। अगर आप दोपहर के टाइम में या शाम के टाइम में यहाँ पे अगर विजिट करते हो, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ चलती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से राम झूला की दूरी जो 600 मीटर है, भूतनाथ मंदिर 1.7 किलोमीटर है, लक्ष्मण झूला 2.6 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर 25 किलोमीटर है, बैराज 10 किलोमीटर है, और हरिद्वार 30 किलोमीटर है, और कोटद्वार 94 किलोमीटर है यहाँ से जो है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।